सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बचे हुए चावल से दिल्ली के जामा मस्जिद जैसी टेस्टी खीर। बचे हुए चावल की खीर बनाने के हमारे इंग्रेडिएंट्स है एक कटोरी चावल जो हमारे कल रात के बचे हुए, और 3/4 चीनी, थोड़े से ड्राई फ्रूट कटे हुए और 1/2 लीटर दूध। सबसे पहले हम एक कुकर में दूध डालेंगे। दूध को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब हमारा दूध थोड़ा गर्म हो चुका है, अब हम उसमें चावल डाल देंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। और चीनी को अच्छे, जब तक वो अच्छे से घुल ना जाए तब तक हिलाएंगे। अब हमारी चीनी इसमें घुल चुकी है, अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। ध्यान रहे कुकर में जब सीटी आने लगे तब आप अपनी गैस की आंच को मध्यम आंच पे रख दें ताकि कुकर में सीटी ना आए। ध्यान रखें कि कुकर में सीटी ना आए। 5 से 7 मिनट मध्यम आंच पे पकाने पर अब हम चेक करके देखेंगे कुकर पे कि हमारी खीर अच्छे से पकी हुई है कि नहीं और हमारे चावल के दाने गल गए कि नहीं। हमारी खीर इसमें अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। बस अब हमारी खीर सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपके खीर में दूध कम पड़े तब ऊपर से थोड़ा और दूध डाल के 1-2 मिनट पका सकते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, बचे हुए चावल से दिल्ली के जामा मस्जिद जैसी खीर तैयार है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, आपको दिल्ली के जामा मस्जिद की खीर याद आ जाएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।